बिहार के सीएम नीतीश कुमार पूरी तरह से एक्टिव मोड में हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर वो एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। हम इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि एक तरफ जहां यूपी के वाराणसी में 24 दिसंबर को उनकी रैली प्रस्तावित है, तो वहीं दूसरी ओर 29 दिसंबर को दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी होने जा रही है। दिल्ली में नेताओं के साथ मंथन में लोकसभा चुनाव से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा होना तय माना जा रहा है। दरअसल पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अफ्फाक अहमद खान की ओर से जारी एक आधिकारिक बयान में ये जानकारी दी गई। बयान में कहा गया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने 29 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक निर्धारित की है। इस बैठक में पार्टी के सर्वोच्च नेता बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य शामिल हो सकते हैं। अगर देखा जाए तो दिल्ली में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद नीतीश कुमार इंडी गठबंधन यानी कि INDIA गठबंधन के किन नेताओं से मुलाकात करते हैं, इसको लेकर कोई भी तस्वीर अभी साफ नहीं हुई है। हाल के दिनों में 5 राज्यों में चुनाव को लेकर पार्टी व्यस्त थी। खुद नीतीश कुमार ने पटना के मंच से कहा था कि कांग्रेस चुनाव में व्यस्त है, गठबंधन पर ध्यान नहीं है। अब ऐसे में 5 राज्यों के परिणाम के बाद एक बार फिर से विपक्षी दलों का जुटना शुरू हो गया है। बता दें कि लगातार इसकी चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार को यूपी की कई लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ने का ऑफर मिल रहा है। इसी क्रम में पीएम मोदी के गढ़ वाराणसी में नीतीश कुमार की रैली की खबर सामने आई, जिसके बाद सियासत तेज हो गई। बीजेपी के साथ चिराग पासवान समेत कई नेताओं ने हमला किया। बीजेपी के विधायक नीरज कुमार बबलू ने कहा है कि बनारस में जाने का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ पीएम मीडिया में आना चाहते हैं। वहीं चिराग ने पूछा कि यूपी में नीतीश कुमार किस मॉडल को लेकर जाएंगे। उधर विपक्षी नेताओं के बयान पर जेडीयू के मंत्री जमा खान ने मंगलवार को कहा कि बनारस की रैली अंगड़ाई है, बीजेपी को ठंड में पसीना आ रहा है। अब ऐसे में नेता की रैली है जो स्वच्छ छवि के हैं, लोग जान चुके हैं। उन्होंने कहा कि 2024 में देश में परिवर्तन होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों दिल्ली में लाल किले पर झंडा फहराया जाएगा, यानी कि अभी भी नीतीश कुमार के जो प्रधानमंत्री बनने के सपने हैं वो अभी खत्म नहीं हुए हैं, लगातार जारी हैं। अब देखना यह है कि इस बैठक के बाद गठबंधन पर क्या असर पड़ेगा और इसके साथ ही इन रैलियों का असर उत्तर प्रदेश में कितना नजर आएगा।